नमस्कार दोस्तों, जय भारत एंड जय हिंद। पार्ट टू ऑफ एन इंटरेक्शन विद चहल ब्रदर्स। तो पहले पार्ट वन में हमने विवेक से बात करी, अब हम अक्षय से बात करेंगे। और अक्षय बॉक्सिंग करते हैं और उन्हीं से उनके बारे में उनका पूरा करिकुलर वीटे बायोडेटा, जो करियर रहा है उनका बॉक्सिंग में अब तक और आगे, उसके बारे में जानते हैं। तो अक्षय, हमें संक्षेप में बताइए अपने बारे में कि आपने बॉक्सिंग कितनी उम्र से शुरू करी। इंसिडेंटली अक्षय की जो बहन है, जो उनकी ट्विन सिस्टर है गांगी, वो भी बॉक्सिंग करती है। तो आप दोनों भाई बहन का बॉक्सिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ, कितनी उम्र से किया, तो क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे, ये सारी चीज़ें हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। बड़े भाई, मैंने बॉक्सिंग सन 2011 में स्टार्ट कर दी। जब मैं 14 साल का था तो मैंने अपने गांव से स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे गांव में एक कोच थे, मतलब वो आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने आर्मी में बॉक्सिंग की हुई थी पहले। तो मेरे फादर साहब को बहुत ही ज़्यादा बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, जैसे विजेंद्र सिंह का मेडल आने के बाद तो उससे ज़्यादा हो गई। तो फिर उन्होंने हमें बॉक्सिंग में थोड़ा सा रुझान देखा और हमें बॉक्सिंग गाँव में अनूपपुर है, गुवाना तहसील गुवाना गाँव में अनूपपुर हरियाणा। तो फिर वहाँ से मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट किया। और आपकी जो सिस्टर थी गागी, वो भी आप ही के साथ बॉक्सिंग कर चुकी थी या वो लेटर भाग गए? जी, हम दोनों ने एक साथ बॉक्सिंग स्टार्ट किया। कैसा लगता है जब, जैसे भाई बहन एक साथ जब कोई खेल एक साथ शुरू करते हैं, तो आपकी वेट कैटेगरी उस समय क्या, आपकी किस वेट कैटेगरी में आप खेलते थे? उस टाइम 42-44 खेलते थे। अच्छा, और आज? आज मैं 57 खेलता। तो जैसे भाई बहन ने जब ये जर्नी शुरू करी, तो क्या आप एक दूसरे के स्पारिंग पार्टनर होते थे? वैसे भाई बहन के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक तो होती रहती है। उस टाइम बड़े भाई तो गांव में तो ऐसे कोई बॉक्सिंग में था नहीं, तो हम दोनों ही थे भाई बहन। तो मेरे चाचा ताऊ के लड़की बेटे हैं, तो उन्होंने भी देख के हमें स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा दिन तक नहीं कंटिन्यू। लेकिन फिर हमारा इसके प्रति और इंटरेस्ट होने लग गया। तो फिर उसके बाद हम बालगढ़ साई में आ गए थे, बालगढ़ सोनीपत। तो फिर वहाँ भी बॉक्सिंग करी हमने दोनों भाई बहन जी दोनों। वहाँ पे तो बहन का तो स्कीम में हो गया था, कमेंट स्कीम में। तो फिर हम वहीं कंटिन्यू किया और वहीं पे प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था बालगढ़ साइंस, जो MBA वहाँ MBA रोहतक आ गया था। तो मैं सब बॉक्सिंग एंड में फिर उधर कंटिन्यू करी। तो ये आपकी अब तक की जर्नी रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं अक्षय, कि आपकी जो, जैसे आप अभी तक के अपने बॉक्सिंग करियर को देखते हैं, हाइलाइट्स क्या रहे, जो टर्निंग पॉइंट्स थी आपके करियर में, वो जरा आपने व्यूवर्स के साथ शेयर करिए। हाइलाइट्स ये बड़े भाई, जब मैं 2013 में उधर बालगढ़ साइन में था, तो मेरे को एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम में इंजर्ड भी हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने एक साल फिर बॉक्सिंग नहीं करी, मैं पूरा रेस्ट पे था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा एक साल के बाद कम बैक किया और फिर मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करी। बीच में फेडरेशन भी बैन हो गई थी, तो फिर उस ड्यूरिंग को ना तो कोई कंपटीशन हो पाए थे, और फिर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही था और फिर मैंने अपना बढ़िया किया और सीनियर नेशनल में मेडल जीता। और पिछले 2-3 साल की बात करें, उसमें क्या करियर हाईलाइट रहा? हाईलाइट्स बड़े भाई, मैं कंटिन्यू अभी यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहा हूँ, खेलो इंडिया मेडलिस्ट हूँ, सीनियर नेशनल में भी मेरा मेडल है, और अभी मैं करंट में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ मैंने डेब्यू किया है अभी। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोनों बॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये जो आपने बात कही अक्षय, ये इसी से ही मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। एमेच्योर बॉक्सिंग तो है ही है, जहाँ पे आपको मौका मिलता है खेलने का, चाहे वो नेशनल्स हो या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो, स्कूल नेशनल जो होते हैं, स्कूल नेशनल गेम्स, या फिर जैसे बिग बाउट एक बीच में UFC की तरफ से हुआ था। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि प्रो बॉक्सिंग का मतलब कहाँ कहाँ होता है, या आप जैसे इंटरनेशनल खेलने के लिए दुबई भी गए हो, कुछ एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। प्रोफेशनल बॉक्सिंग बड़े भाई वर्ल्ड वाइड है, जैसे कि अभी ओलंपिक्स हुए थे तो उसमें भी 8 प्रोफेशनल बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि मेडलिस्ट भी रहे, कुछ तो चैंपियन भी बने हैं। तो अभी जैसे हमारी पहले आईबा थी, तो उसको भी IBA बना दिया गया है, और प्रोफेशनल और एमेच्योर को अभी एक साथ ही चल रही हैं दोनों। तो अभी कोई भी है बंदा, वो पहले एक
एक तरह से प्रोफेशन में टर्न करने के लिए एटलीस्ट बंदे को थोड़ा सा उसको आगे लेवल अप होना चाहिए, नेशनल मेडलिस्ट को कम से कम, तो आगे उसको फ्यूचर में प्रोफेशन में बहुत फायदा होगा, कम से कम नेशनल मेडलिस्ट को होना ही चाहिए। आपका दुबई में व्यूअर्स के साथ शेयर करिए एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ सीखने को मिला दुबई में जो आप गए थे, आपने जो ट्रेनिंग करी थी और जो कॉम्पिटिशन खेला था उसके बारे में आपको क्या लर्निंग्स? बड़े भाई जैसे हम पहले गए वहाँ पे, मेरा 25 डेज का कैंप था विद क्यूबंस, तो वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे स्पारिंग पार्टनर्स थे, तो उनके साथ मेरी बहुत मतलब विद इन 20 डेज मेरी 5-6 स्पारिंग हो चुकी थी उनको, क्योंकि उनका भी कंपटीशन आ रहा था और मेरा भी कॉम्पिटिशन के साथ था, तो एक दिन के बाद एक कंटिन्यू स्पारिंग चल रही थी। तो शुरुआत में तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ मेरे साथ करना, लेकिन जैसे जैसे स्पारिंग होती गई तो उनके साथ मैं कॉम्पीट करने लग गया था, तो फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन हुआ तो प्रोफेशनल फाइट हुई, फिर वो मेरी 4 राउंड्स की थी फाइट वहाँ पे, तो फाइट बहुत अच्छी गई और उसमें मैं विन किया था। और ये बताइए कि अभी आपने एक जो करियर मूव किया है एमएस पटियाला से, आप एक 1 ईयर का कोर्स डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं आप कोच बनने के लिए, तो इसके बारे में आपका ये जो थिंकिंग है, आप क्या मतलब क्या सोच के आप ये कोर्स कर रहे हैं और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, ये जरा हमारे डिप्लोमा कोर्स की एडवांटेज यही है बड़े भाई, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो हम बॉक्सिंग को त्याग ही, लेकिन अभी मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, आफ्टर 10-12 ईयर्स मैं कोचिंग फील्ड में जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा, तो उस टाइम मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी डिप्लोमा होगा और मैं साइन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। आपका इतना रिच एंड वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, इतने सालों से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, क्या कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है ये कोच के लिए जो डिप्लोमा एमएस और पटियाला से आप कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको आकर्षित कर रही है और आपको अच्छा लगा? अभी डिप्लोमा में पढ़े भाई में तो यही है कि बेसिक्स चल रहा है, तो बेसिक से ये कि फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बॉक्सर अच्छा होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बॉक्सर के हाथ पैर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो पंच में भी पावर होगी, तो उसमें मेरा कोऑर्डिनेशन और ये फाउंडेशन पे काम चल रहा है वहाँ पे, तो इंजरीज के बारे में बता रहे हैं कैसे इंजरीज हो जाए तो कैसे सेव करनी है उसको ठीक करना है, तो ये सब कंटिन्यूटी चलिए बताया जा रहा है हमें सिखाया जा रहा है। जैसे आप जो स्टांस आप ऑर्थोडॉक्स हैं राइट हैंडेड, और जो आपका जो बॉक्सिंग रूम रिंग में जो एक जो पोजीशन होती है, आप अग्रेसिव खेलते हो डिफेंसिव खेलते हो, मतलब कहाँ की तरफ आप ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करते हो? मेरे भाई उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला बॉक्सर अपोनेंट को पहले तो उसके वीडियोज वगैरह देख के जज किया जाता है उसको कि वो किस तरीके से खेलता है, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी और प्लान बनाया जाता है, वो सब कोच का काम होता है और फिर उस तरीके से खेला जाता है। आज व्यूअर्स बहुत कुछ सीखने को मिला अक्षय से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में वी गेट अ चांस एंड प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ बोथ विवेक एज वेल एज अक्षय। अक्षय सो मच, थैंक यू सो मच बड़े भाई के चैनल में आने के लिए, और ये आपका चैनल है थैंक यू विवेक, आप इस चैनल में होंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे और आप बताएंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स को कि आपके लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस थे। रिमेंबर दिस इज योर चैनल एंड यू आर द वन हू हैज टू टेक द शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स व्यूअरशिप एंड पॉपुलैरिटी। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।